तुम ट्यूटर रख लो या कोई भी पढ़ा ले। अब ये कहने की क्या बात है कि मैंने तहरीम का कहा था तो आप तहरीम ही पढ़ाए। मुझे पता था आप उस साड़ी के बारे में जरूर पूछेंगे, इसीलिए वो साड़ी मैंने संभाल के रखी है वैसी की वैसी। मैंने भी कोई हाँ बोलो बोलो, मैंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी, लेकिन जितनी इज्जत के साथ उन्होंने तुम्हें सारा सामान दिया था उतनी ही बेइज्जती से तहरीम तुमसे वापस ले लिया। ये तो अच्छी बात हो गई, लेकिन घर में एक बड़ी बुरी बात हो गई। क्या बुरी हो गई? अरे भाई, एनी ने तहरीम को जो साड़ी लेके दी थी वो उससे वापस मांग ली। हाय तहरीम भाभी, आप कितनी मासूम है, आपको तो कोई भी बेवकूफ बना देता है। लेकिन ये साड़ी हम अम्मी को दे देना। अरे मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आप जाने अम्मी जाने। ओहो मफिन, अब किसी किस्म की बहस में मत पड़ना, पहले ही महीने की आखिरी तारीखें चल रही हैं। हाँ पता था जी मुझे, महीने के शुरू में कुछ कह दो तो महीने के शुरू की तारीखें हैं, महीने के आखिर में कुछ कह दो तो महीने के आखिर की तारीखें हैं। अच्छा तुम्हें चाहिए क्या, कितने पैसे चाहिए? 5,000 रुपए। हाँ तो और क्या जी, आप बाहर जाए तो आपको पता चले कितनी महंगाई चल रही है बाहर। मैं भी रोज बाहर जाता हूँ, पर ख़वातीन की खरीदारी बड़ी महंगी हो गई है, हर चीज को आग लग गई है। तोबा तोबा। मैडम मेरे पास तुम्हें देने के लिए सिर्फ और सिर्फ हैं, वो हैं ये 4,000 रुपया, प्लीज इन्हीं में गुजारा कर। एक काम करें जी, तो ये 4,000 रुपया आप अपने पास ही रखें। कसम से इतना मैंने कभी कंजूस शोहर अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जे बीवी ने कभी शॉपिंग के लिए क्या ही दिया मसी मसी, तो फिर भी कंजूसी। तोबा तोबा, कितने पास गई हूं मैं। ये लीजिए जनाब, 1,000 और इसमें डाल दिया, अब पूरा 5,000 कर दिया, खुश हो? एनी पापी जैसी कोई मिली होती ना आपको तो महीने के शुरू में सारी तनख्वाह निकल जाती है ना। और फिर खाने में भी हम लोग खाना ना खाते बल्कि दुपट्टे और शर्ट्स वगैरह खाते। हाँ जी, और साथ साथ सैंडलें भी। ओहो, लेकिन शॉपिंग करने कब जा रही हो? तरीम पापी के साथ। अच्छा चलो, फिर ये पैसे जो है ये मैं अपने वॉलेट में वापस रख देता हूँ। मैडम बंदा एक स्माइल ही दे देता है। 5,000 रुपए की इतनी एक्सपेंसिव ये स्माइल? क्या ले आई? अरे अच्छा क्या ले आई, अभी वरना पान खा लेती। अम्मी वैसे आप भी ना सेहत का अपनी बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं। क्यों भाई, दवा तो खाती हूँ है, आराम भी करती हूँ, अब बिस्तर से तो लगने से रही। अल्लाह ना करे हम ये थोड़ी कह रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि 1,000 थोड़ा कम जाया करें, अब चलने फिरने में एहतियात करें। अब कहाँ जाती हूँ एनी है, पहले जाया करती थी मुंह उठाया और चली गई, अब तो अगर किसी दिन बाजार चली जाऊं तो 2 दिन घुटने का दर्द कहीं और जाने के काबिल नहीं छोड़ता ना। वही तो हम कह रहे हैं, और देखिए कितने दिन हो गए आपने कोई नई साड़ी भी नहीं बनाई। अरे मेरी नई साड़ियाँ पहनने के दिन थोड़ी हैं, तुम लोगों के पहनने ओढ़ने के दिन है, पहनो ओढ़ो। जाने दीजिए अम्मी, आप देखें जरा बाहर, इतनी इतनी बड़ी बड़ी आपसे भी बड़ी उम्र की खवातीन ऐसे ऐसे रंग और डिजाइन पहनती हैं कि उम्र का तो पता नहीं चलता। लो भाई, मुझे नहीं शौक इस किस्म के ना चिचोरे डिजाइन ना रंग पहनने की, ना भाई ना मुझे माफी करो। अम्मी अब तो ऐसे ऐसे सोबर रंग सोबर मटेरियल आ गए हैं मार्केट में, भाई एक साड़ी तो आपकी हमारी तरफ से पक्की। अरे बहुत साड़ियां पड़ी हुई मेरे पास, कितनी तो मैंने पहनी भी नहीं अभी। नहीं अम्मी ये तो कोई बात ना हुई, एक साड़ी तो हम लेकर आएंगे और आपको पहननी भी पड़ेगी। अब ये क्या, आपके 3-3 बेटे हैं कमाते हैं, आप एक नई साड़ी भी ना बनाएं? ये तुमने अच्छा लाजवाब कर दिया भाई, ये क्या मना करूं अब, जो तुम्हारे दिल में आए करो, वैसे अच्छी बनाई कब। अच्छा भाई, मैं तो पान खा खा के गला सूख गया। भाई तुम लोग कुछ भी कहो, मैं तो सबके सब बहुत पसंद आए। पसंद किसकी है? अम्मी ये मैडम की और मेरी दोनों की पसंद। वाह भाई वाह मैडम, बड़ा फायदा हो गया तुम्हें तहरीम के साथ रहने का है, कपड़े पसंद करना आ गए। अच्छा अम्मी जान, अब आप छेती छेती बताएं कि इस साड़ी और सूट में से आपको केड़ा पसंद है। भाई मुझे तो तमाम के तमाम पसंद है, सच पूछो। अम्मी आपको सबके सब पसंद है? तो आप सब ले। भाई ये तुम्हारा कहने का मकसद क्या है? अम्मी वो
मुझे कहने का मकसद छोटा जहा है वो ये कि इसमें से कोई भी एक या सूट या साड़ी हम आपके लिए लाएं, जो आपको पसंद आ जाए वो आपका। नहीं भाई नहीं, तुम लोग पहनो, तुम लोग अपने लिए लाओ, मुझे चाहिए होगा मैं खुद खरीदूंगी। अम्मी आप तो खरीद लेंगी लेकिन ये तो ले लेना। भाई मैं तुम्हें सच्ची बताऊं, कल ऐनी मुझसे कह के गई है कि अम्मी जान हम आपके लिए साड़ी लेकर आएंगे, वो बता के ला रही है, लाएगी तो सिलवा लूंगी, तुम लोग मुझे बगैर बताए ले आए इसका क्या करूँ मैं। तो अम्मी नेक्स्ट टाइम हम आपको बता के लाएंगे। अरे मेरे ख्याल में आपको ये अच्छी लग रही है। नहीं नहीं बात सुनो, अभी अपने पास रखो ये, मैं नहीं भाई कुछ नहीं अम्मी जान, बस ये साड़ी आपकी हो गई है भाई, खुश हो जाओ जी। आए हाय, अरे वाह भाई वाह, इन्हीं बड़े वक्त से आई हो, देखो तो सही जरा है। तुम कल कह के गई थी कि हम आपके लिए साड़ी लेकर आएंगे, ये दोनों शैतान आज उठा के ले, और किस कदर शानदार है, है? चलें अम्मी, अच्छी बात है किसी को ख्याल तो आया, वैसे हमारे कहने के बाद ही होश आता है सबको, वैसे तो कोई पलट के नहीं पूछता। नहीं भाई, अरे इनको क्या हुआ, ये क्यों जल भून के खाक हो गई भाई। अच्छा ही हुआ जी। जोसेफ इधर आओ। बदमाश तुम्हारी ट्यूशन कैसी जा रही है? ठीक जा रही है, बस नॉट गुड नॉट बैड। क्यों? सर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ये तो अच्छी बात है। चाची सही पढ़ाती थी। हाँ तो फिर क्यों नहीं पढ़ा? गलती हो गई, वैसे बड़ा सॉलिड पढ़ाती थी वो तो। ये सॉलिड क्या होता है, सही तरह बात किया करो। सॉरी दादा, बहुत सही से समझाती थी, सब कुछ समझ आता था। अब तो कुछ नहीं हो सकता दादा, ये हो सकते कि वो नो। अब तुम एक साल अपने इस नए सर के साथ पढ़ो, नहीं तो तुम जानते हो अक्का, समझते हो ना मेरी बात, तभी तो आपके पास आया हूँ। अच्छा चलो अभी तो आराम से पढ़ो ना, अभी तुम जा कर रहे? पढ़ाई 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 करने जा रहा था। जाओ मेरा बेटा पढ़ो, शाबाश चलो खुशी से पढ़ो, मुंह बना के नहीं पढ़ो। हाँ बदमाश। वैसे तौबा है, इस कदर का जलापा और नकल है इस घर में। अरे अरे ये चलापे के चक्रों में मेरी शर्ट ना जला देना प्लीज। हाँ ये भी तो हो सकता है कि अगर हमसे शर्ट जलने वाली हो और उन्हें पता चल जाए तो हमसे पहले शर्ट जलाए पूरे घर में फिरे। क्या है कि किसकी बातें कर रही हैं? आपकी दोनों भावजों की, आज अम्मी के लिए नई साड़ी ले आई। उन्हें किसने बताया? क्या मालूम, मैं तो सिर्फ अम्मी को बता। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अम्मी, देखिए एक तो आप हम पे ये बेबुनियाद इल्जाम तराशी मत किया कीजिए, जितनी बात थी हमने आपको बता दी बस। बहुत अच्छा किया जो बता दिया, जा रहा हूँ मैं। कहाँ जा रहे हैं, उनको बताने? जी नहीं, औरतों की सियासत के लिए ना फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। एक साहब आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए, ड्राइंग रूम की हालत देखने जा रहा हूँ, बैठने के काबिल भी है या नहीं। क्यों, ड्राइंग रूम को क्या होना है? शोजा साहब जब सर से पढ़ के आते हैं ना तो आप भी चेक कर लिया करें, रोज अम्मी क्वेश्चन सही करती हैं। समझती क्या ये दोनों अपने आप को, अम्मी का दिल जीत लेंगी। चाबियां तो इस घर की हमने ही संभालनी है, फिर देखना कैसे नौको चने जब पाएंगे इन्हें, हमारा नाम भी एनी नहीं। अरे भाई ये घर ही घर में इस कदर पैकिंग करके लाने की क्या जरूरत थी, सालगिरह वगैरह थी मेरी। अरे अम्मी आपको तो पता है कि हम हर काम सलीके से ही करते हैं, अब ये क्या कि कोई तोहफा लाया जाए और बस यूं ही पकड़ा दे। भाभी संभाल चाबी, भाभी संभाल चाबी।
मैडम क्या बात है, आपकी जेठानी आजकल कम कम नजर आ रही है। कम कम कहाँ नजर आ रही है जी, वो तो इतनी ज्यादा है। भाभी हंस क्यों रही है जी? क्यों ना हंसू, हंसने पे पाबंदी है क्या? देख लेंगी जी। ये देखती है तो देखे मैं कौन सा कोई नाम लेके हंस रही हूँ, और कल कल आकर अगर मैं रोई तो क्या कहेंगी, मुझे देख के रो रही है। तुम क्यों हंस रही हो? देख लेंगी। मैडम जरा हाथ तेज तेज चलाओ, जबान तो तुम्हारी बहुत तेज चलती है। तेज तेज ही तो हाथ चला रही हूँ जी। कुछ सीख लो फिर कहोगी कि सिखाया नहीं। हाँ जी, तो मैंने क्या करना है, आपको देख देख कर नकल ही तो करनी है जी। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, हर किसी के बस की बात नहीं। हल्दी देना मैडम। देखे जी। देखे भाई कुदरतुल्ला, आपकी दोनों बहुएं कितनी प्यारी साड़ियां लेकर आई मेरे लिए पहली बार मैडम। अरे वाह वाह, तुम्हारे तो नसीब जाग गए, वो भी तुम्हारी बहुएं लाई है। अरे लाई तो तीसरी बारी भी है लेकिन दी नहीं अभी तक, मूड ही खराब हो गया उनका तो। क्यों? अरे भाई मैं बैठी हुई थी तहरीम और मैडम के साथ, और वो दोनों भी तो शॉपिंग करके सामने ही आकर बैठ गई हैं, यानी के हैं, और ऊपर से मैंने कहीं ये कह दिया कि भाई कल तुमसे साड़ी की बात हुई और इत्तेफाक देखो कि ये दोनों आज मेरे लिए साड़ियां ले आईं। बस भाई फिर क्या था, वो तंज के तीज बरसाए हैं दोनों पर, वो तेवरियां चढ़ी हैं कि अल्लाह की पना। गया तुम्हारा सूट, वो भी महंगे वाला। अरे भाड़ में डाले हैं, मैं ऐसे खड़े खड़े 10 सूट खरीद लूं। अरे तो भाई भाड़ में डालने की क्या जरूरत है, अगर एनी तुम्हें दे ना तो खुशी से लेना, बल्कि हो सके तो तारीफ भी कर देना। भाई देखो उसने तुमको पहले कहा था। ये बात तो तुमने ठीक कही कुदरतुल्ला, वैसे पहली दफा कोई अकल की बात समझाई और मेरी समझ में भी आ गई। हाँ शुक्र है तुम पहली दफा मान गए। अच्छे है ना, अच्छी लगी ना, रंग किस कदर अच्छा है, दोनों अच्छे। इन्होंने साड़ी दी थी अम्मी को, तो बंदा कोई चीज दे तो ढंग से तो दे। खुश हो जाएंगी अम्मी। अरे भाई ये घर ही घर में इस कदर पैकिंग करके लाने की क्या जरूरत थी, तो सालगिरह वगैरह थी मेरी। अरे अम्मी आपको तो पता है कि हम हर काम सलीके से ही करते हैं, अब ये क्या कि कोई तोहफा लाया जाए और बस यूं ही पकड़ा दे। भाई है बहुत शानदार और वजनी भी कितनी है, लगता है ब्लाउज का कपड़ा साथ ही है। नहीं जी जी अम्मी, हम हर काम पूरा ही करते हैं, हम तो साथ मैचिंग की चप्पलें भी लाने लगे थे। नहीं चप्पलों की क्या जरूरत, साड़ी ही बहुत शानदार, चप्पल तो हमारे पास बहुत सारी है, कोई सी भी पहन ले। अब आपकी पसंद हमसे बेहतर तो कोई नहीं जानता ना। अरे इतना पुराना साथ जो हो गया हम दोनों का, वो दोनों क्या जाने। अच्छा अब हम चलते हैं, बल्कि जल्दी में हो? नहीं बस किचन तक जा रहे। अरे मेरी सुगड़ बहू। हाँ जाओ जाओ, शाबाश शाबाश। क्या हाल किया हुआ तुम लोगों ने घर का यार, है? क्या हुआ है, गुस्से में क्यों है, आपका कोई दोस्त ही तो आया था। वही तो आया था, ड्राइंग रूम में लेकर गया था, ये कोई तरीका है यार कुशन इधर उधर फेंके में। अब क्या करें, ये सब शोज़ अप के काम है,
जब उसका ट्यूटर पढ़ा के जाता है ना तो वो कुशन इधर उधर फेंकता है एक्साइटमेंट में। तो भाई समझाओ ना उसको। मैं समझाऊंगी ना तो गलत मतलब निकल। ये तो कोई बात नहीं हुई यार, ये क्या बात हुई भाई? अगर बच्चा गलत ही कर रहा है तो बड़ों का काम है उसको समझाना। रोज अम्मी वही क्वेश्चन उठाती हैं और उसे समझाती भी हैं। अब अगर बच्चा ना समझे तो उसमें मेरा क्या कसूर है? इसका मतलब है कि आप अपने घर में किसी गेस्ट को ला ही नहीं सकते, यही बात है ना? मुझे क्यों कह रहे हैं, अम्मी से कहें। नहीं नहीं यही बात है, क्योंकि आप इस घर में बच्चे को भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उस बच्चे का दिल चाह रहा है शरारत करने का, और अगर आपने रोका तो वो नाराज हो जाएगा। गुस्से क्यों हो रहे हैं? छोटी सी बात है, आप अम्मी से कह दीजिए, और कोई मेहमान आना हो तो पहले मुझे बता दीजिए, मैं समेट लिया करूंगी सारी चीजें। सरकार थोड़ा मुस्कुरा के दिखा दे। पता है मुझे आपकी सब बहानेबाजी। क्या मेरी बहानेबाजी? आज अम्मी की तरफ से सामने। ओह यार मैं भूल गया, वो सगीर का भी फोन आया था, वो पूछ रहा था कि आप लोग कब आ रहे हैं, और मेरे जहन में नहीं रहा। तुम तो तैयार ही नहीं हुई हो। तो मैं एक मिनट में तैयार हो जाती हूँ, आपके कपड़े इसलिए किए रखे मैंने। वो शाइस्ता कहाँ? शाइस्ता भी तैयार है, वो दादू को अपने कपड़े दिखाने गई है। वो जाके तुम तो तैयार हो जाओ, चलो जल्दी। ठीक है। अरे बाबा बाबा भाई, हमारी गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है तुम्हारे कपड़े पहने में, कहाँ से आए? मेरी मम्मा ने। अरे देखे तो सही तहरीन के हाथ की सफाई, बिल्कुल लग रहा है रेडीमेड कपड़े। भाई ये भी तो देखो ना पहने किसने, इधर आओ। जाओ 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 जाके दादा से प्यार करवा। पहने किसने है हमारी गुड़िया ने? इतना तैयार हो के आप कहाँ जा रही है? नानो के घर जा रही हूँ। ठीक है जाओ चलो, हाथ ना दे देना बीच में, जाओ। हाँ तो क्या कह रही थी? हाँ मैं कह रही थी एनी बेगम आई थी। अच्छा। अरे भाई मुझे तो इस कदर हैरानी हुई है। क्यों? अरे मेरे लिए साड़ी लेकर आई थी सजा वजा के, कहने लगी अम्मी जान हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्लाउज और ये सब कुछ। अरे मैं तो हैरान रह गई, मैंने कहा ये एनी बेगम है? अरे तो इशरत ये तो बड़ी खुशी की बात है, बहू तुम्हारे लिए कोई चीज लाई। इसमें खुशी से ज्यादा हैरानी की बात है ना कि एनी और ये हरकत है। अरे भाई तुम तो कभी भी खुश नहीं होती हो। लो भाई इसमें खुशी वाली कौन सी बात है, कोई हद हो गई। एक चीज मैं आपसे बता रही हूँ, आप उल्टा मुझे कह चले जा रहे हैं। चलो ठीक है भाई तुम्हारी मर्जी है। तुम तो हर चीज ही ठीक है, वैसी बहुओं को इतना सर चढ़ा लेते हैं आप। अच्छा भाई अम्मी वो मैंने सुना है कि इसके साथ मैचिंग चप्पलें भी। देखो तहरीन मुझे चिढ़ाने की कोशिश मत करो, चप्पलें आएंगी तो चप्पलों का भी वही असर करूंगी जो साड़ी के साथ करूंगी।